गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप क्लियर है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी हिंदी। स्वागत है आप सभी लोगों का बहुत बहुत। वॉइस नहीं आ रही है क्या? सबको वॉइस नहीं आ रही है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून हुसैन। तो सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट, आप लोग सबको शेयर कर दीजिए सेशन। अभी काफी लोग चले गए। वॉइस स्लो है, अभी सही हो जाएगा, डोंट वरी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो इसका चैप्टर वन हम कर चुके हैं, चैप्टर वन में एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं। चैप्टर वन क्योंकि इनका बहुत लंबा है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि चैप्टर वन क्यों इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर वन क्योंकि चैप्टर वन पूरा जो है आर्किटेक्चर पर, एशियंट टू मॉडर्न, पूरा का पूरा आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला और मूर्ति कला पर है। इसमें आप बहुत सारे केव्स के, गुफाओं के बारे में भी आप पढ़ते हो, तो इसलिए जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ओके ठीक है। सुरेश पाटिल, करेंगे करेंगे। मैंने किया, मैंने लिया है क्या इसको? बिल्कुल लीजिए रेशमा। ठीक है, तो इसका पार्ट टू आज हम लोग करने जा रहे हैं। पार्ट टू बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर मॉडर्न और गुप्ताज आर्ट एंड आर्किटेक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट मी और अन अकेडमी का फाउंडेशन बैच लेने का। रेशमा बिल्कुल सही सोच रही हैं आप, क्योंकि अन अकेडमी का फाउंडेशन बैच लेते हो आप तो सारा आपका जो है एक बैच, एक सब्सक्रिप्शन में पूरी तैयारी आपकी हो जाती है, सब मिल जाता है आपको। तो प्रिलिम्स मेंस की कंप्लीट तैयारी टेस्ट सीरीज के साथ। तो अभी 50% ऑफ चल रहा है, फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, प्लस 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है आप लोगों को। तो अभी जो है इंग्लिश मीडियम का बैच है जो इवनिंग बैच है, इसी तरह लक्ष्य बैच है हिंदी मीडियम के लिए, बायलिंगुअल बैच है, सभी बैचेज हैं आपके लिए। ये जो है 29 फेब से शुरू हो रहा है, ये बायलिंगुअल बैच है, 22 फरवरी से शुरू है, 15,250 से शुरुआत है ना। और ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम है ये, इंग्लिश मीडियम का है, 1-to-1 मेंटरशिप के साथ। अभ्यर्थी से अधिकारी तक एक अनअकैडमी श्योर है आपके लिए क्या? तो अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, अनअकैडमी आपको फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम देगी, और फिर इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो गया तो 100% फी रिफंड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर इफ यू आर नॉट एबल टू क्रैक एनी स्टेज ऑफ यूपीएससी सीएससी, गेट फ्री एक्सटेंशन अप टू 2 ईयर्स इंटरव्यू के बाद। इंटरव्यू तक पहुंच गए, और अगर नहीं तो फिर 2 साल का आपका मिलेगा। तो ये इस तरह से जो है ये आप लोगों के लिए क्या है, ये आप लोगों के लिए ऑफर है, आप लोगों के लिए, आपकी मोटिवेशन के लिए, ताकि आप हमेशा मोटिवेटेड रहें तैयारी के लिए। इसके लिए बहुत स्लो आवाज आ रही है, सबको आवाज आ रही है, जरा बताइएगा क्या सबको आवाज आ रही है स्लो? क्या सबको आ रही है? जिसको कम आ रही है गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जिसको कम आ रही है वो एक बार साउंड करके देखे। और मुझे आप 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड। हाँ जी, क्लियर है ना? तो जिनको वॉइस कम आ रही है वो वॉल्यूम बढ़ा ले अपने डिवाइस का। ठीक, तो मौर्योत्तर कला, पूर्वोत्तर
पोस्ट मौर्यन आर्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले सेशन तक हमने हरप्पन और मौर्यन आर्ट पढ़ा है। लेटर मौर्यन पोस्ट मौर्यन पीरियड हम किसको कहते हैं, तो ये आपका शुरू ये 200 BC कह लीजिए, ये 200 BC से शुरू होता है और 300 AD तक लगभग ये चलता है। और इस बीच बहुत सारे शासक, जैसे अगर हम लोग बात करें तो नॉर्थ में हम लोग बात करें तो नॉर्थ में शुंग थे, ठीक, शुंग थे, कुषाण थे नॉर्थ में, ठीक, तो नॉर्थ में शुंग कुषाण ये सब थे। इसी तरह से डेक्कन में कौन थे, तो डेक्कन में सातवाहन थे दक्कन में इस समय। और अगर हम लोग साउथ की बात करें तो साउथ में चोल, चेर और पांडे थे, ठीक। तो ये और इन सब ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में इन्होंने कल्चर को प्रमोट किया, आर्ट को प्रमोट किया, ठीक। आज का चैप्टर वन है, चैप्टर वन का पार्ट टू कर रहे हैं हम लोग। तो और इस समय सबसे ज्यादा जिस तरह का आर्ट, जिस धर्म का बोलबाला था वो था बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित इस समय हम लोगों को स्थापत्य ज्यादा देखने को मिलता है, मूर्तिकला, पेंटिंग, बौद्ध धर्म से संबंधित हमें ज्यादा मिलता है। तो अलग अलग भागों में मौर्य जो थे उन्होंने पूरे भारत को लगभग एक सूत्र में बांधा था। और उनके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे राजवंशों का, स्मॉल डायनेस्टीज का राइज होता है। तो मैंने आपको बताया शुंग मुख्य शुंग थे, कण्व ने कुछ नहीं किया पर शुंग कण्व कुषाण थे। शुंग कर्ण कहाँ पर आए थे, ये पाटलिपुत्र पर आए थे, है ना। तो शुंग और कण्व पाटलिपुत्र पर मौर्यों के बाद। और कुषाण जो कि कहाँ से आए थे, तो ये लोग जो है चीन के यूची कबीले से थे, ये लोग मध्य एशिया से ये लोग आए थे और अफगानिस्तान से लेकर पूरा आज का पाकिस्तान और मथुरा तक इन लोगों का शासन फैला हुआ था, एक बड़ा सा वो था। और साउथ में सातवाहनों का जब पतन हो जाता है तो सातवाहनों के डिक्लाइन के बाद इक्ष्वाकु आते हैं कृष्णा गुंटूर वाले क्षेत्र में, और डेक्कन वाले क्षेत्र में वाकाटक आते हैं, बीच में आभीर हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं मैम, प्लीज रिप्लाई, एंशियंट हिस्ट्री मेंस में जीएस का पेपर वन में किस यूनिट में है। एंशियंट हिस्ट्री से कल्चर पार्ट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कल्चर पार्ट से। तो जो आर्ट एंड कल्चर वाला जो आपका यूनिट है वहां पर क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आपका एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आता है। तो कल एंशियंट हिस्ट्री में क्योंकि एंशियंट कल्चर पूरा इंक्लूडेड है तो कल्चर पार्ट से आएगा। अभी फिलहाल समझिए कि लेटिन मॉडर्न पीरियड में कल्चरल डेवलपमेंट क्या क्या होता है, आर्किटेक्चरल कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक। और लेटिन मॉडर्न पीरियड को लेटिन मॉडर्न क्यों कहते हैं, तो मैंने थोड़ा आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी दिया। तो धार्मिक परिदृश्य में मैंने कहा कि बौद्ध धर्म का बोलबाला था इस समय। इसके अलावा शैव, वैष्णव, शाक्त जैसे ब्राह्मण संप्रदायों का भी उदय होता है, लेकिन जो है ये कब होता है, तो ये 3rd century में होता है, ठीक। ये 3rd century के थर्ड फोर्थ सेंचुरी में होता है, समझ लो। मतलब इस समय एकदम जो है 200 BC 100 1st century 2nd century इस समय इतना हम लोग को देखने को नहीं मिलता। तो मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला था, फिर भी सातवाहन जो थे वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। शैव धर्म का और शाक्त धर्म का उदय गुप्त काल में होता है। और चट्टानों को काटकर इस समय बहुत सारी गुफाएं बनाई गई थी, बहुत सारे केव्स जो बनाए गए थे वो रॉक कट केव्स इस समय बनाए गए थे। तो इसी तरह मूर्तिकला में मौर्योत्तर कला में ही एक तरह से कह सकते हो कि मूर्तिकला के अलग अलग स्टाइल का उद्भव होता है, इमर्जेंस होता है, गांधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप लोगों से कोई पूछे कि भाई मूर्ति कला अपने पीक पर, स्कल्पचर आर्ट अपने पीक पर कब पहुंचा, तो हम कहेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, मौर्योत्तर काल में, ठीक है। तो मौर्योत्तर काल के सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला को सबसे पहले देखते हैं कि इस समय स्थापत्य कला का किस तरह विकास होता है। तो रॉक कट केव्स बने इस समय बौद्ध और जैन भिक्षुओं के लिए,
बहुत सारे चैत्य और विहारों का इस समय निर्माण होता है, जैसे देख पा रहे रॉक कट, यानी ये जो आप देखिए ये इस तरह की ये जो है महाराष्ट्र के अजंता केव्स की ये पिक है। तो आप देखिए ये क्या है, ये केव्स थी, गुफाएं थी और गुफाओं को काट काट कर इसी में बिहार का निर्माण किया गया है। तो ये जो है बिहार क्या थे, तो ये रेजिडेंस था किसका, तो बौद्ध और जैन भिक्षुओं का। मौर्य साम्राज्य के दौरान ही शुरू हो गया था, आपने देखा नागार्जुनी और बराबरी हिल्स में गुफाएं बनी थी, है ना। तो इसका जो है विकास मौर्य साम्राज्य के दौरान ही हो गया था, लेकिन इस समय मौर्योत्तर काल में बहुत ज्यादा होता है। जो चैत्य था, चैत्य चतुष्कोणीय क्वाड्रेंगुलर एक तरह से चैम्बर्स थे ये चतुष्कोणीय, और ये क्या था, तो ये पूजा स्थल था, है ना, ये पूजा स्थल था। ये बेसिक से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो ये पूजा स्थल था, और तो इसको प्रार्थना कक्ष के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। और इन गुफाओं में एक खुला कोर्टयार्ड, खुला प्रांगण होता था, बारिश से बचाने के लिए पत्थर की दीवारें भी होती थी, और गुफाओं को खूब डेकोरेट किया गया, पेंटिंग बनाई गई, मानव और पशुओं के फिगर्स बनाए गए। तो महाराष्ट्र का कार्ले का चैत्य, अजंता की गुफाएं, एलोरा तो खैर थोड़ा बाद का है, इस समय आप कह सकते हैं कि कार्ले भाजा अजंता इस समय की मुख्य रूप से हैं। अजंता जिसमें 29 केव्स हैं, 29 गुफाएं, 25 बिहार और चैत्य। गुड आफ्टरनून। तो देखिए ये जो आप लोग देख रहे हो ये कार्ले का है, ये सबसे ब्यूटीफुल चैत्य है, ये कार्ले का है ये। और इसी समय उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं बनी। उदयगिरी खंडगिरी कहां पर, तो ये उड़ीसा में। तो उदयगिरी खंडगिरी की जो गुफाएं हैं ये वर्तमान में भुवनेश्वर के निकट प्रथम और द्वितीय शताब्दी के दौरान इसको बनाया गया, यानी फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी के दौरान, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी के दौरान बनाया गया था। और कलिंग राजा खारवेल ने इसका निर्माण किया था। तो उनका ही यहाँ पर हम लोग को एक सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, सॉरी इंस्क्रिप्शन, अभिलेख मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख, है ना। अजंता के बारे में पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, अगर नहीं होगा तो जो है, ठीक है। तो ये जो है कौन सा है, तो ये देख पा रहे ये उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं, दो मंजिला है, ये डबल स्टोरी है, ठीक है, डबल स्टोरी। एक सेकंड दीजिएगा, हाँ जी। तो देखिए 5th एडिशन नितिन सिंघानिया का आ चुका है, मैंने अभी चेक किया, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, और इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन देखो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, कुछ कुछ चेंजेज रहते हैं। तो आज आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, आज आप लोग पढ़ लीजिए, जो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो हम लोग पढ़ेंगे 5th एडिशन से ही, ठीक है। अर्चना सुतार, तो मैं आज ही मंगवा लूंगी। और नहीं, ये बीसी का नहीं है, धीरज राजपूत, हाँ कुछ चैप्टर्स न्यू हो जाते हैं तो मैं आज ही वो करा दूंगी, ठीक, ओके। बहुत चेंजेस नहीं होते, है ना, बहुत चेंजेस नहीं होते हैं, यही चीजें रिपीट होंगी उसमें भी, आप मतलब जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सब में भी देखेंगे तो यही चीजें रिपीट होती होंगी, लेकिन हाँ कुछ जो नई चीजें हैं वो मैं आप लोगों को कवर करा दूंगी। फिलहाल आप लोग इसको लीजिए, ठीक। और जो है
इसका डेट मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट सेंचुरी, फर्स्ट से सेकेंड सेंचुरी के बीच में ये बना है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बीसी में नहीं, ठीक? यहां पर मैंने आप लोग को डेट भी दिया है कि प्रथम द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से, ये मतलब एक तरह से फर्स्ट सेंचुरी बीसी से शुरू हुआ था और सेकेंड सेंचुरी तक ये बना है, मतलब फर्स्ट सेंचुरी एडी तक बना है। यस, ऐसे करेक्ट करो आप अपने को, ठीक? तो ये जो आपने देखा कि कुछ इसमें कैसे हैं, तो कुछ नेचुरल हैं, कुछ मैनमेड हैं, कुछ मैनमेड हैं और कुछ नेचुरल हैं, ठीक है? तो कुछ मैनमेड और कुछ नेचुरल है, यानी मैं कुछ जैसे कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली बनाया गया, कुछ गुफाएं नेचुरल जैसे पहाड़ों में होती हैं। और ये किन के लिए है? तो ये जैन भिक्षुओं के लिए है। किन के लिए है ये? तो ये जैन भिक्षुओं के लिए है, ठीक है? कितनी गुफाएं हैं? तो याद रखिएगा, उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। तो उदयगिरी की गुफाओं में ही हाथी गुंफा अभिलेख हम लोगों को मिलता है खारवेल का, किस स्क्रिप्ट में है? तो याद रखिएगा, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, ठीक है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ है और ये जैन नमोकर मंत्र के साथ शुरू होता है। और इसमें राजा खारवेल ने जितने भी मिलिट्री कैंपेन्स किए, उस उन सभी अभियानों को का वर्णन इसमें किया गया है। उदयगिरी में रानी गुंफा जो अभी है वो 2 मंजिला है, वो 2 मंजिला है। तो यहाँ पर राजा खारवेल का जो इंस्क्रिप्शन है, इसमें हमें सुंगुंग सब के बारे में पता चलता है। इस समय स्तूप भी बहुत बने, अशोक ने तो स्तूप बनवाए ही मौर्यन पीरियड में, लेजर मौर्यन पीरियड में भी स्तूप बहुत बने, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कनिष्क भी बौद्ध धर्म को मानने वाला था, कुषाण जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, सातवाहनों ने भी बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, प्रश्रय दिया। तो पश्चिम, जो पश्चिम वाला क्षेत्र है वहां पर भी बहुत बना। तो मौर्योत्तर काल में जो स्तूप बने वो विशाल रहे, ठीक? वो विशाल रहे, ज्यादा अलंकृत, ज्यादा डेकोरेटेड बने, और पहले जो लकड़ी और ईंट के बनते थे उसकी जगह पर लेटर मॉडर्न पीरियड में ये पत्थर के बने। किसके बने? पत्थर के। तो लेटर मॉडर्न पीरियड में पत्थर पत्थर के बने ये, ठीक? तो मैं पिछले क्लास में आप लोग को स्तूप बता चुकी हूँ, पूरा इसका फीचर मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर ऐसा हुआ था कि जो सांची का स्तूप था, ठीक, ये जैसे देखिए, ये पिक जो है ये सांची के स्तूप का ही है, ये जो है ये सांची के स्तूप का ही पिक है। तो ये जो सांची का स्तूप है, इसको किसने डेकोरेट कराया? तो इसको डेकोरेट कराया था शुंग, शुंग राजवंश ने, यानी यहाँ इसका जो राजा था किसने? पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग को बहुत लोग कहते हैं कि वो बौद्ध विरोधी था, बहुत सारे बौद्धों को उसने मरवा दिया था। अगर ऐसा होता तो वो फिर इसका रेनोवेशन नहीं करवाता, है ना? तो ये जो ये देख रहे हो, ये आगे की ये जो तोरण द्वार, ये जो गेटवे देख रहे हो आप, और ये जो सेकेंड रेलिंग देख रहे हो, और इसके ऊपर पत्थर, ये सब किसने लगवाया था? तो ये सब पुष्यमित्र सुंग ने लगवाया था। तो बहुत ही खूबसूरत, आज जो इसकी खूबसूरती है वो कह सकते हो कि पुष्यमित्र सुंग की देन है। और इस पर बहुत सारी कार्विंग की गई है, इस पर बहुत सारी जटिल आकृतियां, सुंदर सुंदर जो है इस पर उकेरी गई हैं, कहानियां, जातक कथाओं की कहानियां। तो ये कहते हैं कि इस पर थोड़ा हेलेनिस्टिक प्रभाव का भी इस पर साक्ष्य मिलता है। तो भरहूत का स्तूप, सांची का स्तूप का तोरण और भरहूत के स्तूप का निर्माण इस समय हुआ था। और उस पर कुछ लोग कनिष्क कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ स्थानीय लोगों ने कराया, उसको लेकर कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली किसने बनवाया था। लेकिन रेनोवेशन हुआ, इस समय क्या होता है? इस समय रेनोवेशन होता है। तो इस समय, इस अवधि में मूर्ति कला की 3 प्रमुख शैलियां, गांधार, मथुरा और अमरावती का विकास होता है। 3 मूर्ति कला की, मतलब ये तो स्थापत्य, तो स्थापत्य में इस समय क्या बना? तो मैंने आपको बताया कि स्थापत्य में इस समय के बना गुफाएं बनी,
गुफाएं और स्तूप। अगर हम लोग मूर्ति कला की बात करें, ठीक है, तो अगर हम लोग मूर्ति कला की बात करें तो मूर्ति कला की तीन प्रमुख शैलियां इस समय रही, गांधार, मथुरा और अमरावती। गांधार, मथुरा और अमरावती। हाँ, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, उसका रेनोवेशन, उसका पुनरुद्धार पुष्यमित्र शुंग ने कराया था, मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया मनीष, ठीक है। तो मूर्ति कला का खास विकास इस समय होता है। जैसे आपने क्या देखा कि मौर्य काल में यक्ष, ठीक, यक्ष और यक्षी की मूर्तियां बनी, है ना, यक्ष और यक्षी की। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे शिव, विष्णु, इन सब की मूर्तियों की बात करें, या फिर बुद्ध, बुद्ध की मूर्तियों की बात करें, महावीर स्वामी की मूर्तियों की बात करें, महावीर जैन की, ये सारी मूर्तियां इसी समय बनती हैं। कब? मौर्योत्तर काल में। और सबसे पहली मूर्ति जो शुरुआत होती है वो बुद्ध की होती है, बुद्ध की। तो इसमें बहुत खास है आप लोगों के लिए गांधार स्टाइल, गांधार शैली आप लोगों के लिए बहुत खास है, ठीक है। जैसे ओके अर्चना, कीप वॉचिंग। तो गांधार स्टाइल पर मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी मुख्य परीक्षा में भी, जीएस पेपर वन का जो कल्चर वाला पार्ट है उसमें यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप ये देखिए कि गांधार स्टाइल इसको क्यों कहा गया, क्योंकि जो गांधार रीजन था एंशियंट पीरियड का, जो गांधार महाजनपद हम लोग जो देखते हैं, ठीक, गांधार, कंबोज, गांधार जिसका कैपिटल तक्षशिला था, तो ये आज का पेशावर और अफगानिस्तान के निकट पंजाब की पश्चिमी सीमाओं से जुड़ा हुआ हिस्सा है, जो आधुनिक पेशावर है और अफगानिस्तान तक पंजाब का जो बॉर्डर लगता है, तो वो पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट रीजन है। इसी क्षेत्र को गांधार क्षेत्र कहा गया। और यहां पर जिस शैली का विकास होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं गांधार शैली। तो ये देख पा रहे हैं आप, ये पिक्चर देखिए, ये गांधार शैली की बनी हुई मूर्तियां हैं। इसमें बुद्ध को काल्पनिक दिखाया गया, यानी बुद्ध जो एक्चुअल जो बुद्ध का लुक था उससे सुंदर बुद्ध बनाए गए। तो जैसे आप लोग ने आजकल देखा होगा ब्यूटी ऐप, है ना, तो ब्यूटी ऐप आपकी पिक्चर को एकदम चेंज कर देता है ना। ये भी भारत का ही है, इसको पाकिस्तानी मत मानो, इस शैली को मनीष कुमार अफगानिस्तानी या पाकिस्तानी मत मानो, ये तब अनडिवाइडेड इंडिया था, गांधार क्षेत्र, गांधार महाजनपद 16 महाजनपदों में से एक था, और ये अनडिवाइडेड जो इंडिया था उसका बॉर्डर अफगानिस्तान तक लगता था। तो भारत में गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, सुल्तानगंज का एक अलग स्टाइल निकला जो सुल्तानगंज एरिया है, इसी तरह सारनाथ में मूर्तियां बनाने का एक अलग शैली निकला, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है। तो जैसा ब्यूटी ऐप जिस तरह आपका चेहरा बदल देता है, बिल्कुल उसी तरह से हो हैं तो आप ही, शायद लोग आपको पहचान भी जाएंगे कि आप ही हैं, लेकिन आपका चेहरा बदल दिया जाएगा, बहुत शार्प, बहुत खूबसूरत, तो उसी तरह से इसमें बुद्ध को बनाया गया। तो यहां पर एक्चुअली हुआ क्या कि जो यूनानी, जो ग्रीक इन्वेडर थे, जो यूनानी आक्रमणकारी थे, अपने साथ यूनानी और रोमन मूर्तिकारों की परंपराओं को ले आए, जो यूनान में मूर्तियां बनती थी, जो रोम में बनती थी, तो वो परंपरा भी आई साथ में, क्योंकि ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन था, ठीक, ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन था भारत का, यहां पर ये लोग बस गए थे, क्योंकि भारत में आपको पता ही है कि भारत में जो है ईरानी आक्रमण हो चुका था, लगभग 500 BC के आसपास ईरानी इन्वेजन हुआ, और फिर अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ, यानी यूनानी आक्रमण हुआ, 327 BC में हुआ था आपका अलेक्जेंडर का। तो इस क्षेत्र में
इस क्षेत्र में ये लोग रहते थे जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन में ये लोग रहते थे। तो सिद्धार्थ तिवारी, आपको किसने, किसी ने मजबूर कर रखा है क्या, आपको किसी ने बांधा है सेशन लेने के लिए? क्या सेशन लेने के लिए मजबूर हैं आप? नहीं है ना, तो आप जाइए। इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना अपना भी दूसरों का भी, ठीक। तो खैर मुझे तो, मैं यहाँ ब्लॉक कर रही हूँ तुम्हें, क्योंकि मुझे फालतू नेगेटिव कमेंट्स नहीं देखने हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि जो चीज़ नहीं समझ आ रही है वहां पर रहने की जरूरत नहीं है। पेट में प्रॉब्लम है, यस। ओके, ठीक है। तो यहां पर कुछ स्थानीय परंपरा भी तो थी, मतलब यहां पर कुछ लोकल लोग थे, और यहां पर रोमन और ग्रीक भी थे, रोमन और यूनानी भी थे। तो ये जो परंपरा है, ये जो परंपरा है, ये आपस में मिक्स हो गई। तो ये मिश्रित परंपरा है, लेकिन इस पर विदेशी प्रभाव रहा। तो विदेशी प्रभाव रहा क्योंकि यूनानी प्रभाव रहा, तो इसको जो है ग्रीक इंडियन शैली, इसको जो है यूनानी भारतीय शैली, ग्रीको रोमन शैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। कब हुआ इसका विकास? तो 50 BC से लेकर 500 AD तक की अवधि में। 50 BC से लेकर, जैसे देखो BC ऐसे घट रहा था ना, जैसे 600 BC हम कहते हैं, फिर ये 500 हुआ, ये घटते हुए चलता था, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के कितने साल पहले, तो जैसे जैसे ईसा मसीह का जन्म पास आया घटते हुए जाता है, तो 400, 300, 200, 100 और फिर 50, और इसके बाद शुरू हो जाएगा फर्स्ट सेंचुरी, यानी क्राइस्ट के जन्म के बाद वाला, फिर AD कहते हैं हम, तो फिर वो फर्स्ट सेंचुरी हो जाता है। तो ऐसे हम घटते हुए चलता है ये, तो यानी ये फर्स्ट सेंचुरी 50 BC से शुरू होता है, ये 50 BC से शुरू होकर और 500 AD तक ये चला। तो याद रखिएगा कि क्षेत्र, किस क्षेत्र में ये विकसित हुआ, क्यों इसे गांधार शैली कहते हैं, इस पर किसका किसका रोमन और ग्रीक इम्पैक्ट था, मेटीरियल क्या यूज किया गया, तो मेटीरियल यूज किया गया नीले धूसर बलुआ पत्थर, ब्लू ग्रे सैंड स्टोन। तो ये आरंभिक जो स्टार्ट जब होता है ये, तो जो अर्ली स्टैचूज बने, आइडल्स बने, यानी जो आरंभिक मूर्तियां बनी, उसमें जो है यूज किया गया ब्लू ग्रे सैंड स्टोन, ठीक। तो ब्लू ग्रे सैंड स्टोन यूज किया गया शुरू में, और बाद में मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग किया गया, जो आप देखते हो ना सफेद सफेद, तो वो मिट्टी और प्लास्टर का यूज किया गया, और सिर्फ बुद्ध और बोधिसत्वों की। अगर आपसे कहा जाएगा कि गांधार शैली में महावीर स्वामी की मूर्तियां बनी, अगर आपसे कहा जाएगा कि गांधार शैली में विष्णु या शिव की मूर्तियां बनी, तो वो गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनी, अपोलो की मूर्तियों से मिलती जुलती, ठीक। सफेद और काले रंग के पत्थर का भी इस्तेमाल हुआ है इसमें। महायान धर्म के विकास से इसको प्रोत्साहन मिला, क्योंकि बहुत सारे बोधिसत्वों की मूर्तियां इसमें मिलनी शुरू हो गई। तो मूर्तियों में अगर आप देखोगे तो खूब सलवट दिखता है वस्त्र में, ये देखिए, जैसे कोई चादर आप ओढ़ेंगे तो उसमें ऐसा रहता है ना, जैसे ऐसे सलवट बनेगा, आप जब ओढ़ेंगे तो उसको दिखाया गया है, और अंदर से मसल्स दिखते हैं, जैसे देखिए मसल्स दिख रहे हैं। एक्चुअली ये आइडियलिस्टिक होती हैं, ठीक है, ये आइडियलिस्टिक होती हैं ये, मतलब जो गांधार शैली है रोमन और ये जो ग्रीक शैली है, स्पेशली अगर हम लोग ग्रीक शैली की बात करें यानी यूनानी शैली की बात करें, तो उसमें हमेशा आइडियलिस्टिक मूर्तियां बनाई गई, कि जैसे हम लोगों के यहाँ पर अब आइडियलिस्टिक बनती हैं। आइडियलिस्टिक का मतलब समझ रहे हो, आइडियलिस्टिक का मतलब होता है कि आइडियली कैसा होना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों के यहाँ दुर्गा की जो मूर्तियां बनाई जाती, कितनी खूबसूरत बनती हैं, या राम की, कृष्ण की, विष्णु की,
आंखें बड़ी बड़ी, तीखे तीखे नए नक्श, घने घने बाल। तो ये आइडियलिस्टिक है कि भाई एक सुंदर व्यक्ति कैसा दिखता है, तो वैसा ही देवताओं की भी मूर्तियां बनाई जाती हैं, है ना। तो इसमें जो है क्या किया गया है, बाह्य सौंदर्य को मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया, एक्सटर्नल ब्यूटी को दिखाया गया है। तो खूब उच्च कोटि की नकाशी भी, चेहरे पर बहुत इमोशंस, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, है ना, कॉम्पैशन, लव, अफेक्शन, इन सब चीजों को जो है चेहरे पर दिखाया गया है। बुध के बाल घुंघराले, कहीं कहीं बुध की मूछ, बुध को मूछों के साथ भी दिखाया गया है। चप्पल भी पहने हुए इनको दिखाया गया है। तो इसको हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है, इस जो यूनान का जो आर्ट है उसको हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। हेलेन की, अपोलो की, उनके देवता अपोलो की मूर्तियां ऐसी ही बनी है। तो ये सीमित रहा कहां तक सीमित रहा, तो पश्चिमोत्तर प्रदेश तक। गांधार शैली भारतीय कला की मुख्य धारा से अलग रही और ये नॉर्थ वेस्ट रीजन तक ही, ठीक है, पश्चिमोत्तर प्रदेश तक ही ये सीमित रही, ये पश्चिमोत्तर प्रदेश तक ही। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस तरफ उत्तर भारत की तरफ जब हम आते हैं, मथुरा तक जब हम आते हैं, तो यहाँ पर मथुरा शैली मिलता है। और जब डेक्कन में जाओगे तो डेक्कन के क्षेत्र में अमरावती शैली मिलती है। यानी गांधार शैली का प्रभाव कहाँ तक मिलता है, ठीक, तो गांधार शैली का प्रभाव हम लोग को मिलता है पश्चिमोत्तर क्षेत्र तक। देखो इसको हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। यूनान में मूर्तियां ऐसी ही मिलती हैं। यूनान में जो मूर्तियां बनती हैं उसमें बहुत मसल्स मांस दिखाया जाता है, यानी मांसपेशीय खूबसूरती को दिखाया जाता है, जैसे आजकल बॉडी बनाते हैं ना। कहां कान कहां है मनीष कुमार, कान कहां है आपका। इसका गांधार शैली का जो प्रभाव रहा पश्चिमोत्तर भारत तक ही रहा। और अब क्या है, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, तो कोई भी मूर्तिकार कहीं का भी बना सकता है, कोई भी मूर्ति, है ना। लेकिन ये जब विकसित हुआ था, अब जो मूर्तियां बनती हैं वो मॉडर्न स्टाइल है ना। जिस टाइम पर बना था उस टाइम मैंने क्या बताया मनीष कुमार आपको, क्या अभी बताया मैंने, तत्कालीन समय में ये कहां तक फैला हुआ था। और अभी अगर वर्तमान के समय की बात करने हैं तो वर्तमान समय में एक अलग स्टाइल चल रहा है, ठीक है, एक अलग स्टाइल चल रहा है, एक अलग कला चल रहा है। तो बौद्ध मूर्तियों के तेरे गांधार शैली में कुछ देवी मूर्तियां बनी, जिसमें देवी रोमा की मूर्तियां बनी, तो ये रोमन देवी थी, ठीक है। हिंदू देवताओं की मूर्तियों की का जो है इसमें इस कला में नहीं मिलता है, याद रखिएगा, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं बनी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है अर्चिता यादव, आप लोग बस ध्यान से क्लास लेते रहिए। तो हमेशा कंपैरिजन पूछा जाता है आप लोगों से। मथुरा शैली की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए ये जो है बना रेड सैंड स्टोन से। ज्यादातर किससे बना है, तो रेड सैंड स्टोन यानी लाल बलुआ पत्थर, क्योंकि यहाँ से जो है राजस्थान पास में था और यहाँ पर इसकी उपलब्धता जो है ज्यादा थी, ठीक है। तो पहली और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच यमुना नदी के किनारे, देखो ऐसा है कि कुषाणों का इसको बहुत संरक्षण मिला था, गांधार को भी, तो गांधार भी उस समय कुषाणों के अधीन था और कुषाणों की पहली राजधानी थी पुरुषपुर, जिसको क्या कहा गया, जिसको पेशावर कहा गया। और कनिष्क की जो दूसरी राजधानी रही मथुरा, तो मथुरा में भी विकास हुआ एक यमुना नदी के किनारे जिस मूर्ति कला का, उसको हमने कहा मथुरा कला। पर मथुरा कला सिर्फ बौद्ध धर्म पर केंद्रित नहीं था, तीनों धर्म, बौद्ध, हिंदू, जैन, तीनों ही धर्म से की मूर्तियां इसमें बनी।
यक्ष यक्षिणी की भी मूर्तियां इसमें बनी। तो इसमें प्रतीकों का बहुत प्रयोग किया गया। प्रतीक सभी देवता लोग का अलग अलग आयुध होता है ना, अलग अलग उनके हथियार होते हैं। कोई त्रिशूल लेता है, कोई हाथ में तलवार लेता है, कोई हाथ में चक्र लेता है, देखा है ना आप लोगों ने। तो इसी तरह इसमें आयुधों के साथ उनके जो हथियार थे, वेपन थे, उसके साथ बनाया गया। तो उनके हथियार और उपकरण के साथ किसी के हाथ में शंख चक्र गदा ये सब दिखाते हुए शिव को लिंग और मुखलिंग के माध्यम से भी प्रकट किया गया। मुखलिंग मतलब जो लिंग होता है, जो शिवलिंग होता है, उसी के अंदर जब चेहरा बनाते हैं तो उसको मुखलिंग कहते हैं। बुद्ध के चारों प्रभा मंडल गंधार शैली की तुलना में बड़ा बनाया गया। प्रभा मंडल किसको कहते हैं? तो देखिए प्रभा मंडल इसको कहते हैं, ये देख रहे हो ना आप लोग, ये जो देख रहे हो ये प्रभा मंडल है। जो सिर के पीछे बनाया जाता है तो ये गांधार शैली से बड़ा बनाया गया और ज्योमेट्रिकल पैटर्न से उसको डेकोरेट किया गया। तो बुद्ध को दो बोधिसत्वों से घिरा हुआ दिखाया गया, एक कमल पकड़े हुए जिनको पद्मपाणि कहते हैं और एक वज्र पकड़े हुए जिनको वज्रपाणि कहते हैं। तो बुद्ध के दोनों तरफ, ठीक है, बुद्ध के दोनों तरफ ये बोधिसत्व बनाए गए। तो याद रखिएगा पद्मपाणि और वज्रपाणि। बुद्ध को बाद में विष्णु से कंपेयर किया जाने लगा था ना, बौद्ध धर्म पर भी वैष्णववाद का जब प्रभाव पड़ा तो बुद्ध को जैसे विष्णु के हाथ में कमल रहता है, वैसे बुद्ध को भी, बुद्ध के हाथ में भी कमल पकड़ा दिया गया। तो बुद्ध का कमल पकड़ा हुआ जो उनका है वो पद्म पाणी, पद्म पद्म कमल को कहते हैं, पाणी हाथ को। तो जिसके हाथ में जो है कमल हो, मनीष सबसे पहले ना अपने प्रीवियस ज्ञान को डिलीट कीजिए और नए ज्ञान को अपने अंदर लीजिए, आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। ठीक, तो हम मंदिर निर्माण की बात नहीं कर रहे, हम मूर्तियों की बात कर रहे, मंदिर निर्माण की बात करेंगे। ठीक, तो अभी मंदिर निर्माण शैली की बात नहीं कर रहे हम, जब उसकी बात करेंगे तो उन शैलियों की भी बात करेंगे जो नागर, द्रविड़ और बेसुर है। अब बात करते हैं अमरावती शैली। देखिए ये अमरावती शैली है ये, और ये अमरावती शैली में जो स्तूप बने, जो मूर्तियां बनाई गई, सफेद सफेद संगमरमर का यूज किया गया, मार्बल। ठीक, मार्बल का इस्तेमाल किया गया। और ये जो है त्रिआयामी बनाई गई है, त्रिआयामी समझते हो, थ्री डायमेंशनल, ये थ्री डायमेंशनल मूर्तियां हैं, यानी झुकी हुई। आप देख रहे हो ना, आप देख पा रहे हो, कोई भी मूर्ति स्ट्रेट नहीं है, सब एक्शन में है, एक तरफ झुकी हुई, एक तरफ कुछ करती हुई। तो ये कहां पर? तो दक्कन में, दक्षिणी भाग में। सातवाहन शासकों के संरक्षण में, एक छुवाकुओं के संरक्षण में, कृष्णा नदी के किनारे किनारे ये बना। ठीक है, तो गतिशील आकृतियां इसमें ज्यादा बनी। ये देखिए, इसमें ये भी देखिए आप, यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, तो ये एक पट्टिका है, ये सभी स्तूप से निकली है। अमरावती का जो स्तूप है ना, वहां से हम लोगों को ये मिलता है। तो स्तूप की दीवारों को ऐसे सजाए, तो ऐसे गोल ले लिया गया पत्थर की प्लेट और उस पर कई मूर्तियों को घेरा गया है। ये भी मूर्ति कला का ही पार्ट है ना, ये भी मूर्ति कला का ही पार्ट है, समझ लो कि भाई आपको जो है इंडिपेंडेंट स्वतंत्र मूर्ति नहीं है, लेकिन इसी पर जो है उकेरा गया है। तो ये देखिए, ये स्तूप है, स्तूप के चारों ओर वर्शिप करते हुए, पूजा करते हुए कितने स्त्री पुरुष दर्शाए गए हैं, और कोई स्ट्रेट नहीं मिलेगा, सब झुके हुए हैं एक एंगल पर। तो त्रिभंग मुद्रा कहते हैं इसको, यानी तीन झुकाओं के साथ शरीर का प्रयोग किया गया है इसमें। ठीक, तो त्रिभंग मुद्रा। तो अगर आप लोगों को पूछा जाए गंधार शैली और मथुरा शैली में क्या अंतर, गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली में क्या अंतर है, ठीक क्या अंतर है पूछा जाए आपसे, तो देखिए गांधार शैली
भी मौर्योत्तर काल में डेवलप हुआ, मथुरा भी मौर्योत्तर, अमरावती भी मौर्योत्तर, पर गांधार और मथुरा कुषाण शासकों के संरक्षण में और अमरावती सातवाहन राजाओं के संरक्षण में। इसका एरिया उत्तर पश्चिमी आधुनिक कंधार वाला क्षेत्र पेशावर कंधार तक फैला हुआ, मथुरा कला मथुरा के आसपास, मथुरा सोंख कंकाली टीला ये सब प्लेसेज हैं याद रखिएगा। और ये जो है कृष्णा गोदावरी की निचली घाटी में अमरावती नागार्जुन कोंड सॉरी। और ये इस पर जो है अगर हम लोग बात करें तो गांधार पर हमें बाह्य प्रभाव मिलता है यानी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, विदेशी प्रभाव है, लेकिन जो मथुरा शैली है और जो अमरावती शैली है ये पूरी तरह से देशी हैं, ये पूरी तरह से देशी हैं, इन पर कोई भी बाह्य प्रभाव नहीं है। ठीक है, गांधार शैली की बात करें तो ये उत्तर पश्चिमी सीमांत आधुनिक कंधार क्षेत्र में विकसित इसका विस्तार रहा और ये इसका मथुरा के ही आसपास ये कृष्णा गोदावरी की निचली घाटियों में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मटेरियल क्या यूज किया गया। तो गांधार शैली में हमने बात किया कि इनिशियली नीले धूसर बलुआ पत्थर, बाद में प्लास्टर मिट्टी और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया, ब्लैक बेसाल्ट की भी कुछ बनी, पर मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर चित्तीदार और लाल बलुआ पत्थर, ठीक, अमरावती शैली में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। मटेरियल याद रखिएगा, ठीक, मटेरियल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मटेरियल याद रखिएगा। इसमें जो बुद्ध को घुंघराले बाल योगी मुद्रा यानी अधिमुखी आंखों के साथ बहुत ही खूबसूरत दिखाया गया है, मथुरा शैली में खुश चेहरा, कपड़ा एकदम झीना टाइट पहनाया गया यानी पूरा कपड़े के नीचे से बॉडी दिखती है। ठीक है, पद्मासन मुद्रा भी खड़ा और बैठे दोनों बुद्ध का मिला है, तो बाल मुंडित सर, पद्मासन मुद्रा, सिर के पीछे प्रभा मंडल। और इसमें अमरावती शैली में जातक कथाओं पर आधारित बुद्ध की मूर्तियां ज्यादा है। ठीक, तो ये था आप लोगों का क्या, तो ये आप लोगों का गांधार मथुरा और अमरावती स्टाइल था। अब हम लोग बात करते हैं गुप्त काल की। देखिए फिफ्थ एडिशन में जो भी आप लोगों का एडिशनल होगा वो मैं करवा दूंगी, डोंट वरी। मतलब ज्यादा कोई चेंज नहीं रहता है, ज्यादा चेंज नहीं रहता है ना। क्योंकि मैंने सारे ही एडिशंस लगभग मैंने पढ़ाए हैं तो मैंने देखा है, पर हाँ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही ऐड होता है हमेशा। चीज़ें देखो, हिस्ट्री बदलती नहीं है, कला का जो फॉर्म होता है वो बदलता नहीं है, तो गांधार कला हमेशा गांधार कला रहेगा। ठीक, मटेरियल सेम रहेगा, क्षेत्र सेम रहेगा, बनाने का तरीका सेम रहेगा, तो बदलाव अगर किसी किताब में कुछ चेंज अगर मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, तो चेंज बस आपको मिलेगा कि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस और ऐड कर दी जाएंगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशंस तो क्या होती है, सूचनाएं जो होती हैं अनलिमिटेड होती हैं, तो कहीं से कुछ और इन्फॉर्मेशंस होती है तो उसको ऐड कर दिया जाता है, तो बस वही मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक, अभी समझ लीजिए क्योंकि आज हम लोग का सेशन हमने प्लान कर लिया है। तो गुप्त काल में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, गुप्त काल में हम लोग देखेंगे कि वास्तुकला, आर्किटेक्चर, फिर मूर्तिकला, वास्तुकला और मूर्तिकला का विकास किस तरह होता है। वास्तुकला में गुप्त काल ही वो पीरियड है, ठीक, गुप्त काल ही वो पीरियड है जब मंदिर स्थापत्य की शुरुआत भारत में होती है, यानी मंदिर स्थापत्य की शुरुआत यहां से हो जाएगी। पर सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ेंगे
वो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि गुप्त काल में किन किन गुफाओं का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले गुफा स्थापत्य कला, फिर मंदिर स्थापत्य कला। तो इसे गोल्डन एज कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तो ये जो है चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का आविर्भाव होता है, भारत का गोल्डन एज। गोल्डन एज क्यों कहते हैं, इसे हम गोल्डन एज क्यों कहते हैं? तो गोल्डन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि कल्चरल डेवलपमेंट बहुत हुआ। तो इसको बहुत लोग इसको क्लासिकी एज भी कहते हैं, ठीक, बहुत लोग इसको क्लासिकी एज भी कहते हैं, है ना। तो इसलिए क्योंकि साहित्य का, स्थापत्य का, मूर्ति कला का, मतलब एक तरह से कह सकते हो चौतरफा सांस्कृतिक विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी इतना ही डेवलपमेंट होता है। तो ऐसा लगता है कि आरंभिक गुप्त शासक बौद्ध थे, बौद्ध वास्तुकला को भी उन्होंने जारी रखा था। ये ऐसा नितिन सिंघानिया जी अपनी बुक में कहते हैं, उन्होंने सभी धर्मों को संरक्षण दिया था, लेकिन जो गुप्त शासक थे उनके सिक्कों से, उनके अभिलेखों से पता चलता है कि वो जो ब्राह्मणीय धर्म को मानते थे, शुरू में वैष्णव थे, बाद में शैव शासक हुए कुछ। तो उन्होंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदुइज्म, सभी धर्मों को संरक्षण दिया, सभी धर्म बराबर फलते फूलते रहे। तो यह इन्होंने ही मंदिर वास्तुकला की एक तरह से शुरुआत की, इन्हीं के समय मंदिर वास्तुकला अपने शिखर पे पहुंची, समझ लो, ठीक है। तो इसमें जो है, इस काल में भारत के उत्तरी और मध्य भाग में, यानी नॉर्थ और सेंट्रल में, नॉर्थ और सेंट्रल में जो है हमें क्या देखता है, तो विष्णु, दक्षिणी भाग में शिव, और भारत के पूर्वी भाग और मालाबार समुद्र तट कह सकते हैं, या दक्षिण पश्चिम भाग में शाक्त का। तो तीन मुख्य देवों की पूजा की जाती थी इस समय, यानी विष्णु, शिव और शक्ति। जहाँ शक्ति मतलब समझ रहे हो ना, शक्ति मतलब जहां पर देवी की पूजा होती है, इस धर्म में मुख्य रूप से देवी की पूजा होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुप्त काल में गुफा स्थापत्य को। गुफा स्थापत्य, गुफाओं से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एक अजंता से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन यहाँ से 2021 के प्रीलिम्स में आप लोगों का पूछा गया है। तो अजंता दक्कन की पहाड़ियों में, अजंता एक गांव है, ठीक, और अजंता गांव के पास जो पहाड़ी है उसको हम अजंता की गुफाएं या अजंता पहाड़ी कहते हैं। तो ये अपने जो है किसके लिए फेमस है, ये रॉक कट बुद्धिस्ट केव किसके लिए फेमस है, तो अपने फेमस म्यूरल्स, अपने फेमस म्यूरल्स और पेंटिंग्स के लिए। म्यूरल समझते हो ना आप, म्यूरल जो दीवार पर, ठीक, यूं दीवार के ऊपर उभरा हुआ, जो थोड़ी थोड़ी मूर्ति उभार दी गई और फिर उसको पेंट कर दिया गया, उसको हम म्यूरल्स कहते हैं, भित्ति चित्र, ठीक है, तो उसको कहते हैं। तो ये देखिए, ये अजंता की पहाड़ी है और इसी के अंदर ये गुफाएं, देख पा रहे हैं आप कैसे काट काट कर इसमें पिलर, हवा रोशनी जाने के लिए, देखिए गेटवे ये बनाया गया है, यूं ऐसे साइड से चढ़कर ऐसे लोग जाते हैं, देख पा रहे हैं ना। तो ये कहाँ पर है, औरंगाबाद, ये वही शहर है जिसे औरंगजेब ने बसाया था। तो औरंगाबाद से 107 किलोमीटर, औरंगाबाद से 107 किलोमीटर पूर्वोत्तर में वरगुना नदी घाटी के 20 मीटर गहरे बाएं छोर पर ये आग्नेय पत्थरों को, आग्नेय यानी जो है इसको इग्नियस स्टोन्स, इधर के जितने पूरा दक्कन की पहाड़ी इग्नियस स्टोन से बना है, ज्वालामुखी पर्वत है ना, ये सारे के सारे ज्वालामुखी पठार है ये सभी, है ना, क्योंकि इस ये सभी वॉल्केनिक एक्टिविटीज से बनी है। तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज से बने हुए जो पहाड़ होते हैं वहां पर रॉक कैसा होता है, इग्नियस होता है, आग्नेय होता है। तो ये वहीं से जो है, मतलब ये उन्हीं पत्थरों को, ये और मजबूत होते हैं।
तो ये 29 गुफाओं, तो देखिए 2021 में रिवर पूछा था, 2021 में क्या पूछा था, तो 2021 में रिवर, रिवर पूछ लिया गया था कि किस नदी के किनारे, बहुत इजी क्वेश्चन था। 29 गुफाओं का समूह है, ठीक इस शेप में कितने हैं, तो 29। इसका निर्माण किया गया था बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए गुफाओं में घर क्यों बनाए जाते थे, गुफाओं गुफाएं क्यों बनाई जाती थी, बौद्ध विहार एक ऐसा कंस्ट्रक्टेड भी तो हो सकता था, बौद्ध मोनास्ट्री, तो गुफाओं में इसलिए बनाया जाता था क्योंकि गुफाओं में शांति रहती थी, इनको साधना, ये क्या करते थे, साधना करते थे, ध्यान करते थे, तो ध्यान करने के लिए पीस होता था गुफा के अंदर, शांति अंधेरा, इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हिंदुइज्म में भी हिमालय चले जाते थे, हिमालय जाते थे और हिमालय में वो अकेले में साधना किया करते थे, ठीक है। तो इसीलिए गुफाओं के, गुफाएं बनाई गई थी इनके रहने के लिए। तो अजंता की गुफाओं की दीवारों पर, छतों पर, हर तरफ बुद्ध और बोधिसत्व, यानी बुद्ध और बुद्ध से जो जुड़ी जो जितनी कहानियां थी, बाद में बोधिसत्व की कल्पना की गई थी, बुद्ध का ही अवतार उन लोगों को माना गया था, ये वो लोग थे जिनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती थी, लेकिन ये अपने को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी लेकिन अपने को निर्वाण यानी अपने को मुक्त न करके ये अपने ज्ञान से लोगों को निर्वाण प्राप्ति में मदद करने लग गए, तो ये उनको कहा गया बोधिसत्व। और फिर बुद्ध के भी कई रूपों की कल्पना की गई बोधिसत्व के रूप में, वज्रपाणी, पद्मपाणी, मैत्रेय, मंजुश्री, औलोकितेश्वर, कई तरह की कल्पनाएं की गई, जैसे कैसे हमारे यहाँ पर पौराणिक कथाओं में विष्णु के कई रूप हैं, शिव के कई रूप हैं, उसी तरह से तो इन्हीं की पेंटिंग्स उसमें बनी हुई हैं, जो कलर्स यूज किए गए नेचुरल कलर्स, यानी सभी के सभी जो है कलर्स बनाए गए हैं वेजिटेशन और मिनरल से, वनस्पति और खनिजों के प्रयोग से, पत्तों को पीस कर कलर निकाला गया है ना, कोई लाल कलर, लाल रंग के फूल को पीस कर निकाला गया, मिनरल से कलर निकाले गए, तो बहुत मेहनत की गई है, मतलब ये नेचुरल और मिनरल कलर्स हैं इसीलिए अभी तक ये कलर्स खराब नहीं हुए। तो सारा जो लेआउट है, जैसे स्केचिंग जिसे हम लोग कहते, कभी पेंटिंग बनाई है आप लोगों ने, पेंटिंग बनाने के लिए जो है बघोरा नदी को वरगुना रिवर भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो पेंटिंग बनाने के लिए पहले स्केचिंग करनी होती है, फिर उसके अंदर कलर भरा जाता है, तो स्केचिंग जो है पूरी रेड कलर की, आउटलाइन रेड कलर से हुआ है और फिर उसमें कई सारे कलर्स भरे गए हैं, ठीक है। और एक विशेषता है कि नीला कलर नहीं मिलता, ब्लू कलर एब्सेंट है। गुफा संख्या 16 सबसे खूबसूरत माना जाता है, गुफा संख्या 16 मरणासन राजकुमारी, ठीक है। तो गुफा संख्या 16 वास्तुकला के हिसाब से भी बहुत ही सुंदर माना जाता है और ये जो है गुप्तकालीन है, बुद्ध का जीवन जातक कथाओं को चित्रित किया गया है। तो 29 गुफाओं में 5 गुफाओं को हीनयान अवस्था में बनाया गया जब हीनयान धर्म का बोलबाला था, और बाकी 24 गुफाएं जो हैं वो महायान का जब विकास हुआ था, और आपको पता ही है कि बौद्ध धर्म में महायान का सबसे ज्यादा विकास हुआ, तो उस दौरान बनाया गया है। ह्वेन सांग ने भी अपने यात्रा विवरण में अजंता की गुफाओं की चर्चा की है। तो कुछ जो प्रमुख यहां पर मूर्तियां रही, तो गुफा संख्या जो है 26 में बुद्ध का महापरिनिर्वाण, गुफा संख्या 19 में, ठीक है, नाग राजा और उनकी पत्नी की, ये गुफा संख्या, ठीक। और चित्रकारी के तरीके वही रहे, फ्रेस्को पेंटिंग इसको कहते हैं, फ्रेस्को विधि, क्या कहते हैं, फ्रेस्को विधि कहते हैं इसको, चित्र जैसे फ्रेस्को का क्या होता है कि जैसे ये गुफा की दीवार खुरदरी होती थी तो उस पर पहले गोबर,
धान की भूसी, डंग और काउ डंग और पैडी लिया गया, फिर उस पर बेस बनाया गया, ठीक, उस पर जैसे ये ऐसे बेस बनाया गया उस पर, फिर उस पर चूना लगाया गया और तब जाके पेंटिंग्स की जाती थी। मतलब चूने का प्लास्टर लगाने के बाद फिर उस पर पेंटिंग की जाती थी, जब गीला, थोड़ा सतह गीला रहता था तभी उस पर कलर यूज कर लिए जाते थे। इससे क्या होता था कि जो रंजक से बने हुए जो कलर्स होते थे वो भीतर तक चले जाते थे। तो इसमें जैसे देखो, जब मरणासन्न राजकुमारी, बुद्ध का महापरिनिर्वाण, बुद्ध जब गुफा संख्या 17 में जब गए थे यशोदा से भिक्षा मांगने के लिए, तो ये सब कुछ मुख्य हैं। एलोरा केव की बात करें तो देखो, एलोरा की गुफाएं जो है अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये राष्ट्रकूटों के समय बनी, ये गुप्त काल की नहीं है, पर यहां पर उन्होंने मेंशन कर दिया है। 34 गुफाओं का समूह है ये। और मथुरा शैली की तरह ये ब्राह्मण यानी वैदिक धर्म, जैन, बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित है। अजंता में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को अजंता में सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म से मिलता है। तो 5वीं से 11वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक और तमिलनाडु के अलग अलग शिल्पी संघों ने बनाया था। मुख्य रूप से इसमें राष्ट्रकूटों का काफी योगदान रहा, ठीक है, राष्ट्रकूटों का ही इसमें ज्यादा रहा। तो ये एलोरा की गुफाएं हैं। इसमें जैसे जो खास गुफा एक है, रावण की खाई किसको कहते हैं, रावण बैठकर कैलाश पर्वत हिलाने लगता है, बैठकर वो कैलाश पर्वत को हिलाता है शिव को जगाने के लिए कि जल्दी जागो। गुफा संख्या 15 में जो है दशावतार मंदिर है, गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर है, जो सबसे खूबसूरत आप एलोरा के नाम पर देखते हो। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के संरक्षण में ये बना था, अभी नहीं पूछा गया है इसको याद रखना। तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के समय में ये बना, इस मतलब एक बीचों बीच आंगन की तरह जगह बनाया गया है और पत्थर को काट काट कर मंदिर का शेप दिया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत है ये। और गुफा संख्या 29 को घूमर लेनी कहते हैं, क्या कहते हैं, घूमर लेन। और गुफा संख्या 21 में रामेश्वर मंदिर है। दो प्रसिद्ध जैन गुफाएं हैं, इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा, ये गुफा संख्या 32 और 33 है। इसको 3-4 बार रिवाइज कर लोगे तो याद रहेगा, हालांकि इतना इनडेप्थ क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो बाघ की गुफाएं, बाघ यहां पर टाइगर केव नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, बाघ ही कहेंगे, ठीक है, बाघ की गुफाएं। तो ये कहां पर है, ये जो है बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश, बाघिनी नदी के किनारे। तो बाघिनी नदी के तट पर 5वीं-6वीं शताब्दी में 9 बौद्ध गुफाओं का ये समूह है, यानी गुप्त काल में बना है ये कब बना है, ये गुप्त काल में। मध्यकालीन भारत के लिए हमेशा एक ही बुक सतीश चंद्र, चाहे आपको 2026 में देना हो, 2028 में देना हो, जब तक सिलेबस नहीं चेंज होता है, ठीक है प्रभाकर कुमार, सतीश चंद्र। तो बाघिनी नदी के किनारे है 9 बौद्ध गुफाओं का समूह, अजंता की गुफाओं से काफी मिलता जुलता है। और इसका एक पार्ट है, महत्वपूर्ण गुफा है रंग महल, कौन सा है, रंग महल, ठीक है। तो बाघ गुफाओं में पेंटिंग जो मिलती है, जो थीम है, वो अध्यात्मवादी की जगह भौतिकवादी है, यानी मैटेरियलिस्टिक है। मैटेरियलिस्टिक समझते हैं, अध्यात्मवादी, जहां पर ईश्वर गॉड उनको दिया जाता है वैल्यू, और भौतिकवादी जहां पर संसार को, संसारिक चीजों को जहां महत्व दिया जाता है, उनको हम भौतिकवादी कहते हैं।
तो भौतिकवादी हैं ये, जूनागढ़ केव्स हैं, जूनागढ़ से समझ गए आप लोग, गुजरात यहां से क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम पूछ चुकी है, ठीक है। बस सेशन खत्म होगा थोड़ी देर में, आप लोग सेशन लेकर ही जाएं। तो जूनागढ़ की गुफाएं, ये जो है गुजरात की जूनागढ़ में बौद्ध धर्म की गुफाएं, मतलब यहां पर बेसिकली गुफा की तरह इसको शेप दिया गया है, नेचुरल नहीं है ये। तो यहां पे तीन अलग अलग प्रकार के स्थल पाए जाते, खप्पर कोडिया, बाबा प्यारे, ऊपरकोट। खप्पर कोडिया, बाबा प्यारे, ऊपरकोट, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है प्रीवियस ईयर में, ऊपरकोट पूछ चुकी है, ऊपरकोट कि इनमें से किसका पार्ट है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आप लोगों का आ गया है ऊपरकोट। तो आप याद रखिएगा, खप्पर कोडिया, बाबा प्यारे, ऊपरकोट किसका पार्ट है। तो जो इन गुफाओं की जो विशेषता है वो 30-35 फुट ऊंचा एक नगर दुर्ग है, उसी को ऊपरकोट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यही ऊपरकोट पूछा है यूपीएससी ने। मंडपेश्वर केव्स हैं ये, मंडपेश्वर, और ये कहां पर है मंडपेश्वर, तो ये मंडपेश्वर महाराष्ट्र, मुंबई के निकट बोरीवली में है। शुरू में मतलब अभी इसको फिलहाल मोंटपेरियर गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है गुप्तोत्तर काल में, परवर्ती गुप्त काल में ब्राह्मण गुफा के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन बाद में ईसाइयों ने ले लिया इसे। तो यहां से सभी मिलता है, मतलब इस स्थल से हमें नटराज, सदाशिव, अर्धनारेश्वर, यानी ये शिव के ही सारे रूप हैं, तो वहां से मिलता है। और फिर चर्च का भी मिलता है हमें, चर्च भी यहां से मिलता है। और अब बात करते हैं उदयगिरी, तो आपने उदयगिरी और खंडगिरी आपने देखा, उदयगिरी खंडगिरी, वो एक उदयगिरी खंडगिरी कहां पर है, तो वो उड़ीसा में है, और ये उदयगिरी जो है मध्य प्रदेश में है। ये उदयगिरी कहां पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक। तो याद रखिएगा कि उदयगिरी की गुफाएं उड़ीसा में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, ज्यादातर उदयगिरी और खंडगिरी के नाम से उसके उड़ीसा वाले को जानते हैं, ठीक है। तो उदयगिरी की गुफाएं जो है कहां पर, विदिशा में है, विदिशा मध्य प्रदेश में, चंद्रगुप्त सेकंड के समय की मानी जाती हैं, और ये अपनी मूर्तियों के लिए फेमस है। तो नरसिंह अवतार और वराह अवतार, तो विष्णु का वराह अवतार जिसमें उन्होंने सुअर का अवतार लिया था पृथ्वी को बचाने के लिए, तो ये बहुत फेमस है। गुप्त काल में सबसे ज्यादा समझ लो वराह की मूर्तियां बनी, सबसे ज्यादा विष्णु का वराह अवतार गुप्त काल में बहुत फेमस रहा। और यहां पर नरसिंह की भी मिलती है, शिव की, नरसिंह की, नरसिंह समझते हैं ना प्रहलाद को बचाने के लिए, आधा नर आधा सिंह, नारायण विश्राम करते विष्णु, स्कंद, मतलब ये बेसिकली हिंदू गुफा है ये। ये क्या है, तो ये हिंदू गुफा है ये, यहाँ पे हिंदुइज्म से रिलेटेड यहाँ पे सारा मिलता है। इसी में जो इसमें दुर्गा की जो है महिषासुरमर्दिनी, दुर्गा की महिषासुरमर्दिनी जो है वो भी मिलता है हमें, कुछ इन्होंने इस तरह से दे दिया है। अब मैं फिफ्थ एडिशन में देखूंगी कि कैसे दिया है इन्होंने, जैसे एलिफेंटा, एलिफेंटा जिसमें बुद्ध का सदाशिव रूप मिलता है हम लोगों को, सदाशिव त्रिमूर्ति, ये भी यूनेस्को का धरोहर स्थल है। भाजा की गुफाएं, ये भी जो है सेकेंड सेंचुरी बीसी की है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में तबला बजाते हुए महिलाओं के उसकी पत्थर में नकाशी की गई है। कार्ले, ये भी महाराष्ट्र, सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर ये जो रहा फिफ्थ सेंचुरी तक का, वेद से, ये वेद से की गुफा रही, वेद से ये भी महाराष्ट्र। जोगेश्वरी, ये एरिया ही है पूरा वहां पर जोगेश्वरी के नाम से, तो 520 से 550 जोगेश्वरी केव्स, याद रखिएगा वेद से जोगेश्वरी। महायान बौद्ध वास्तुकला का है। इसके अलावा दीवारों पर दत्तात्रेय, हनुमान, गणेश की मूर्तियां भी जोगेश्वरी में मिलती हैं। कन्हेरी,
ये भी महाराष्ट्र, मतलब देखो पश्चिम में बहुत बनी, मौर्योत्तर काल में पश्चिम में बहुत गुफाएं बनी। वराह गुफा मंदिर, ये तो महाबलीपुरम में है, ये तो महाबलीपुरम में है, ये पल्लव के समय का बना हुआ है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसको जो है त्रिविक्रम के रूप में विष्णु को दिखाया गया है और यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में शामिल है ये। और शीतान वशल, ये तमिलनाडु, शीतान वशल पूछ लिया गया आप लोगों से, तमिलनाडु, मुख्य रूप से ये जैन धर्म से संबंधित है। एहोल, ये जो है ये चालुक्यों के समय का है, रावण पहाड़ी एहोल में चट्टानों को काटकर बनाया गया, ये हिंदू जैन बौद्ध तीनों ही धर्मों से संबंधित है ये, 6वीं से 12वीं शताब्दी। ठीक, बादामी, बादामी जो है ये पूरा का, ये भी चालुक्यों के समय का है, बादामी का भी कर्नाटक में मालप्रभा नदी घाटी में है ये, इसमें भी हिंदू और जैन गुफा मंदिर मिलता है, बहुत ही खूबसूरत है ये भी। भीमबेटका आपको पता ही है, भीमबेटका जहां से हम लोगों को अपर पैलोलिथिक से लेकर हम लोगों को कैल्कोलिथिक पीरियड तक के पेंटिंग्स इसमें मिलते हैं। सोन भंडार, सोन भंडार गुफा, ये 3री या 4थी शताब्दी ईसा पूर्व बिहार में जैनियों की थी, और बराबर की गुफाओं से क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आजीवकों के लिए, आजीवक संप्रदाय जिसके संस्थापक मखली गोशाल थे, तो आजीवकों के लिए, ठीक, आजीवकों के लिए इसको जो है बनाया गया था। इसमें लोमस, सुदामा, विश्वकर्मा, कर्ण चौपर गुफाएं हैं, बुद्ध गया से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, तो पूरी गुफाएं समाप्त हो गई। और नेक्स्ट सेशन जो मैं लूंगी, नेक्स्ट सेशन आप लोगों का रहेगा नितिन सिंघानिया जी के 5th एडिशन से। ठीक है, तो मिलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल हम लोग सुबह 11 बजे, कल 11 बजे क्लास रहेगी मेरी, 11 AM प्रीलिम्स स्पेशल, जिसमें हम फेमस प्लेसेस पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, 50% फ्लैट ऑफ चल रहा है 6 मंथ एक्सटेंशन के साथ, रिंकू लाइव मेरा कोड है, रिंकू लाइव कोड यूज कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपका अनअकैडमी पर मेरी तरफ से स्वागत रहेगा पूरी तरह से। तो फिर मिलते हैं टुमारो 11 AM, टेक केयर, बाय बाय, मन लगा कर पढ़ते रहिए।